जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति शर्मा है। स्वाति जी कहाँ के रहने वाले हैं? एसएच हम छत्तीसगढ़ से हैं, बट मैं बैंगलोर रहती हूँ बेसिकली। छत्तीसगढ़ से हैं। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाला है कुछ समय बाद, अभी कांग्रेस की सरकार है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी अब वहाँ? बननी तो बीजेपी की चाहिए, बट जो आसार नजर आ रहे हैं वो फिर से कांग्रेस के ही नजर आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। यानी कि दोनों का नाम, यानी कि 50-50 फाइट हो? हाँ बोल सकते हो आप 50-50। कुछ समय बाद ही फिर प्रधानमंत्री पद का भी चुनाव है, पीएम किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को देखना चाहते हैं। कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आप अपोजिट पार्टी में जाके देखिए ना ऑप्शन क्या है, मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं है अभी तो फिलहाल। कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो लगता है अभी 10 साल तो फिर भी पीएम मोदी फिर से हैं। मोदी दोबारा से 10 साल बिल्कुल रहेंगे। और जो बाकी कुछ रीजनल पार्टीज तैयारी कर रही हैं, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे मुझे लगता है मोदी जी के सामने तो अभी कोई टिकने के लायक है नहीं फिलहाल। सर क्या नाम है आपका? नम किशोर शर्मा। एक राज्य में जिनका कोई वो नहीं है वो कहाँ से पीएम के लड़ेंगे भाई? आप कहाँ के रहने वाले? मैं वही से, मेरी बेटी है ये, छत्तीसगढ़ के रहने वाले। अच्छा, छत्तीसगढ़ कैसा चल रहा है भूपेश बघेल सरकार का? दादागिरी। तो अब क्या सत्ता परिवर्तन होगा? 100% होगा, दिसंबर में सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो डंडे बस पे या क्या बोला जाए सत्ता के बस पे ही वो राज कर रहा है। वो गरीब लोग बहुत परेशान हैं, सिर्फ जब मतलब क्या बोलते हैं मुफ्त का उसमें जाके पूरा छत्तीसगढ़ को डुबा के रख दिया है। अभी 81,000 करोड़ का वो है कर्ज में छत्तीसगढ़। अभी कुछ दिनों पहले कार्रवाई भी हुई थी जो वहाँ की सुपर सीएम का है, उनके खुद का है वो, जो चौरसिया जो वो हुई है उनका बिल्कुल निजी सचिव है वो, और एक बार तो 3 बैग में पकड़ाई थी वो केस के साथ। भ्रष्टाचार से त्रस्त है छत्तीसगढ़ जबरदस्त। इसमें में क्या होता है, जनता जो मुफ्त मिलता है ना तो उसके पीछे पीछे भग जाते हैं, हो क्या रहा है उनको मतलब नहीं रहता है। वो हम लोग जैसे हैं, विकास टोटली ख़त्म है, रोड टोटली ख़त्म है, सिर्फ जो छोटे जनता है और त्यौहार और ये वो बस उसी में लेके बेवकूफ़ बना रही है वो, बना रहा है वो। अच्छा, छत्तीसगढ़ की तो आपने बात कर दी कि चलो अब परिवर्तन की बात की जानी चाहिए, फिर उसके 4 महीने बाद ही लोकसभा का इलेक्शन है, पीएम पद पर किसको देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो मोदी के अलावा कोई दिखता ही नहीं है कम से कम 10-20 साल, 100% है वो। कोई दूसरा मान सपोज बाई मिस्टेक आ भी जाता है ना तो इंडिया गया, जैसे अभी तक गया था। अभी कांग्रेस तो लगातार क्लेम कर रही है लोकप्रियता बढ़ रही है। आप ये बताइए उनका राज्य कहाँ है? अभी भी 2 ही जगह है, वो कैसे बन जाएगा वो? और हमारे यहाँ जब भूपेश बघेल था सीएम तब 11 सीट में 9 सीट तो बीजेपी का आया था, जबकि सीएम भूपेश था तो 11 सीट में 9 सीट कैसे आ गया बीजेपी का? सेंटर में अलग होता है और सेंट्रल में अलग होता है। अभी सेंट्रल जी में मोदी जी के तोड़ नहीं है। एक अभी आप दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली घूमने आए हैं, यहाँ पे यहाँ से एक पार्टी उभरी, उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, वो अब क्लेम कर रही है कि हम कांग्रेस को पीछे छोड़ देंगे, अब मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा बस। हो सकता है दिल्ली में या पंजाब में जैसे उनके है, बाकी कहीं नहीं है उनका, कहीं भी नहीं है। गुजरात में भी करारी हार, सब जगह। देखिए मैं बताया ना आजकल क्या होता है कि जो छोटे तबके के जो लोग हैं ना वो थोड़े से लालच में आके अपना वो हो जाते हैं। आप जैसे हम लोग जैसे हैं ना थोड़े समझते हैं कि एक्चुअल में देखिए हमारे साथ देश भी है, महंगाई भी है, हर चीज़ है, तो हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करते हैं कि कौन अच्छा है। 70 साल तो हम देख ही रहे हैं ना, भूपेश मेरा क्लासमेट है, भूपेश बघेल हाँ, आज मुख्यमंत्री 1911 हाँ, तो हम तो उसे जानते हैं ना, वैसे केजरीवाल है, नो डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, धन्यवाद मैम। आपका क्या नाम है? गीता शर्मा। आप भी छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार चाह रहे हैं दिसंबर में? वो क्या उनका तो कांग्रेस का तो है ही नहीं है कुछ, ऐसी भ्रष्टाचार चल रहा है सीधा। और कोई रमन सिंह थे तो अब अच्छा था, उनका रमन सिंह के काल में तो अच्छा था, 15 साल अच्छे से चलाया। यानी कि अब लोगों को समझ आ रहा है कि रमन सिंह को हटाने का फैसला गलत था, इसलिए अब बीजेपी सरकार चाह रही है। हाँ, बीजेपी सरकार चाह रहा है। फिर 24 में प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी ही आएंगे, नरेंद्र मोदी। हाँ, और भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी वो तो 3 महीने से वो तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल, राहुल का तो कोई चांस ही नहीं है, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। वहीं से पास में पश्चिम बंगाल भी है, ममता बनर्जी भी तैयारी कर रही है।
अरे कोई ही नहीं उनके मुकाबले, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं है उनके पीछे। स्टेट नहीं है ना, ममता बनर्जी मात्र बंगाल तक है ना, केजरीवाल यहीं तक है, तो कैसे वो कलेक्ट, जबकि बीजेपी एक तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो उसको टक्कर देना मुश्किल है। क्षेत्रीय पार्टी लोग कहाँ उसको टक्कर देंगे। और सबसे पहली बात, जैसे आप नीतीश कुमार हो गया, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, जैसे केजरीवाल है, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अपन सब लड़ेंगे, वो बोलेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो बोलेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, है कौन प्रधानमंत्री के लायक मुझे बताइए, पहले एक तो हो जाए आपस में ही लड़ाई, तो खींचने का है सबको प्रधानमंत्री बन के खींचना है। एक भी आदमी जनता के प्रति वो जवाबदेही कोई भी पप्पर नहीं है। ममता बनर्जी से धनिया बोक रखा हुआ है वहाँ आपका बंगाल को, है क्या? वही बताए ना आपको, जो लूट मतलब मुफ्त के चक्कर में लोग पार्टी को मतलब वोट दे देते हैं, दिक्कत तो वही है ना, पढ़े लिखे आदमी लोग नहीं देते वोट उसको। जैसे यहाँ का देख लो कैलकुलेशन, आप निकाल लो कितना परसेंट केजरीवाल को पढ़े लिखे दिए और कितने के मतलब अशिक्षित लोग दिए हैं, उसी में है। लेकिन आजकल अशिक्षित के जनसंख्या ज़्यादा है, दिक्कत वहीं पे है ना, वो मुफ्तम शराब दे देना, मुफ्तम रेवड़ी मार देना, ये करना वो करना, ये वोट की राजनीति है। इससे क्या होता है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है, कहाँ से आएगा पैसा बताइए मुझे, मुफ्त में देंगे तो पैसा भी तो चाहिए, मेट्रो मुफ्त में चले जाएगा पैसा कौन देगा, मेंटेनेंस तो करेंगे, बिजली का बिजली फोकट मुफ्त में तो आएगा नहीं, कोयला कहाँ से लाओगे आप, तो मुफ्त रेवड़ी में तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। धन्यवाद सर। अब से कुछ समय बाकी रह गया है 2024 से लोकसभा चुनाव में, उससे पहले सभी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा एक लंबे समय से चलाई जा रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ज़मीनी हकीकत पर जो है ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और आइए अब यहाँ पर जो लोग घूमने आए हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मूड है, वो किसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं 2024 इलेक्शन में। आइए यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कासिम। मोहम्मद क्या नाम बताया? कासिम। मोहम्मद कासिम कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी के रहने वाले हैं। कुछ समय बाद 2024 का इलेक्शन आने वाला है, 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को देखना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मोदी जी चाहिए? काम किया है। अच्छा काम किया है। जैसे क्या क्या काम अच्छे लगे आपको मोदी? अरे भ्रष्टाचार और भी चीज़ें थी जो उन्होंने ख़त्म कर दी, बहुत ज़्यादा वैसे था, और वाकई में जो एक होता है ना भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया यहाँ से बहुत ज़्यादा वो। और अगर बात की जाए तो राहुल गांधी बहुत तैयारी कर रहे हैं एक लंबे समय से, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल लगा। मुश्किल लग रहा है। हाँ जी जी। आपका क्या नाम है सर? दानिश। दानिश, आप कैसे देख रहे हैं 24 में पीएम पद पर किसको देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहे हैं, क्या कारण है? कारण है सब कुछ उसके साथ, सब कुछ सेम है। अच्छा काम लगता है आपको यानी कि अभी? हाँ जी, बढ़िया सब। सर क्या नाम है आपका? फैजान। कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी के रहने वाले हैं। 24 में पीएम पद पर किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी जी। ऑफकोर्स, जब सारे सारे ही सारों की चाह है मोदी जी की, तो हमारी भी चाह है मोदी जी ही है। वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे क्या क्या कामों से प्रभावित हुए आप, कौन कौन से काम अच्छे लगे मोदी जी? बहुत सारे, जैसे कि अब जो बीच में एक कोई प्रधानमंत्री नहीं करवाया पाया था जो नोट की, वो जो नया नोट शुरुआत करी उन्होंने, डिमोनेटाइजेशन जी, और भी कई काम है सर। अब सडनली से एकदम से नहीं निकल पा रहा है, मैं क्या बताऊं सर, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि मोदी जी बने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम आशीष पांडे है। आशीष पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले, बिहार के मुख्यमंत्री, अभी राजनीति इतनी गरमाई हुई है, वो तो निकले हुए हैं पीएम बनना उनको 24 में, क्या लग रहा आपको? सपना देखने में कोई हर्ज थोड़ी है, सपना देख रहे हैं, बिहार तो उनसे संभल नहीं रही है। आपको बिहार की स्थिति देख रहे हैं ना, 200 से ऊपर लोग शराब पीकर मर गए, बिहार में शराब बंद है, जैसे जो है ना पूरे बिहार को वो चौपट कर रखे हैं। और मैं उनका गृह जिला से हूँ, नालंदा से हूँ मैं। जब नीतीश कुमार जो तरह से जो है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि बिहार में शराबबंदी बंद है, शराबबंदी लागू हो चुके हैं, आज बिहार में मुख्यमंत्री वो 17 साल से हैं, पूरे राजस्व को नुकसान पहुँचा रखे हैं दूसरे से, और मर कौन रहे हैं? गरीब लोग जो दिन की दिहाड़ी कमाते हैं वो लोग मर रहे हैं, और उनके जख्म पे ये उनके जो है नमक जख्म पे नमक रगड़ रहे हैं कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जो मरता है उसे मरने दीजिए।
और मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों को अपना जो है ना राज्य का मुस्तकबिल मत बनाइए। मैंने आज तक हिंदुस्तान में आज 30 स्टेट हैं, इतना छोटा और मानसिक छोटा सोच का जो है सीएम नहीं देखा है, चाहे वो आपको जो है झारखंड के सीएम हो हेमंत सोरेन हो, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, बंगाल के सीएम सुश्री मायावती सुश्री ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे जो है किसी स्टेट के हैं, आप कम से कम ऐसा ना बोलिए कि जो पिएगा सो मरेगा। आपको लगता है कि एक छोटा सा हेलमेट बिना पहने हुए अगर आप रोड पर निकलते हैं किसी स्टेट में किसी जगह, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप देखते होंगे कि लोग पुलिस पकड़ लेते हैं। क्या लगता है कि खेप का खेप ट्रक का ट्रक शराब बिना प्रशासन की आला अधिकारी की मदद से हो सकता है? इस सहमत ये जो है टोटल जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जो है टोटल एक व्यापार है। और ये जानते हैं शराब सबसे ज़्यादा कौन पीता है? सबसे ज़्यादा वो लोग पीते हैं कि जो जिनकी डेली का जो इनकम गरीबी रेखा के नीचे है। बिहार आज क्या है, गरीबी रेखा में कितना है? सबसे नीचे पायदान पे है। अशिक्षा में क्या है? सबसे नीचे पायदान पे। बेरोजगारी में क्या है? सबसे नीचे पायदान से। ऐसा उनको जो है शोभा नहीं देता है बोलना, खास करके पीएम के सपने छोड़ दे। और राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल? देखिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उनको खुद को जोड़ना पड़ेगा, अपने पार्टी को जोड़ना पड़ेगा। वो जो उनकी जो है एक मोरलिटी और डिग्निटी जो वो लॉस कर चुके हैं जनता के बीच में, वो उनको सबसे पहले प्राप्त करना होगा। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, फिर किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पर? देखिए जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं अभी फिलहाल में, नरेंद्र मोदी अभी जो हैं वो उनसे बेस्ट मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। देश को लेके चल रहे हैं, सारा कुछ अच्छा है, बस इनको से भी प्राइम मिनिस्टर जी से एक यही अनुरोध है कि बस एक जो है सिर्फ एक रोजगार पर ये कर लें, बाकी सारा चीज ठीक है। किसान के फैसलों को किसान को लेकर सही किया, विद्यार्थी को लेकर क्रेडिट कार्ड सही किया, लाइन एंड ऑर्डर सही किया, सारा कुछ अच्छा किया, लेकिन एक थोड़ा सा जो है रोजगार के लेके जो हमारे देश के पढ़े लिखे युवा एक राज्य से दूसरे राज्य क्यों प्लान करते हैं? अगर आपके पास टाइम है तो 2 मिनट में बोलना चाहूँगा। आज बिहार में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा लोग पूर्वांचल के हैं, चाहे बिहार हो, गोरखपुर का यूपी के लोग हैं सबसे ज़्यादा है, जो कि एक देश की राजधानी है, आना जाना मना नहीं है, लेकिन एक मजदूरी के लिए अपने राज्य से आप बिहार से आप दिल्ली आइए 500 रुपया डेली कमाने के लिए, 400 रुपया डेली कमाने के लिए, ये एक बहुत शर्म की बात है। और इस बेरोजगारी में एक सिर्फ अनएजुकेटेड लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अच्छे डिग्री ले रखे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लग रखे हैं शराब में, लग रखे हैं फालतू बयानबाजी में, लग रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो हो चुकी है, लाइन एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है, कास्टिंग की इतनी ज़्यादा जो है ये हो चुका है, ये सारी स्थिति है। इसलिए पीएम जो है मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने लोगों से बात की, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, उनका यही कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद पर किसी और के अलावा हम दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी को ही उस गद्दी पर देखना चाहते हैं।